कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ऐसा ही हुआ है मनु भाकर के साथ। जी हाँ, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है भारत के लिए, और इस साल का यानी इस ओलंपिक खेल 2024 का पहला मेडल जीता है उन्होंने भारतवर्ष के लिए। टोक्यो ओलंपिक में भी वो एक प्रबल दावेदार थी, लेकिन उनकी पिस्टल खराब हो गई थी और इसकी वजह से 20 मिनट तक वो निशाने नहीं लगा पाई थी और अंतिम रेस से बाहर हो गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार वो अंतिम रेस में अंतिम तक बनी रही और ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया है इंडिया के लिए। इतिहास रच दिया है मनु ने। उनके पॉइंट्स की अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक में शूटर मनु भाकर ने इतिहास इस प्रकार रचा कि उन्होंने वुमेन्स के 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई है। जी हाँ, पहली महिला, यानी कि इससे पहले किसी भी महिला ने शूटिंग में भारतवर्ष के लिए कोई मेडल नहीं जीता है। इस इवेंट में कोरिया की ओए जिन ने गोल्ड मेडल जीता और वहीं की दूसरी खिलाड़ी किम यजी ने सिल्वर मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल मिला है भारत को। शूटिंग की अगर बात करें तो शूटिंग में 12 वर्ष बाद भारत को कोई मेडल मिला है। लास्ट टाइम 2012 के ओलंपिक्स में भारत को मेडल मिला था। याद करें वो पुराने दिन तो 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर और अर्णव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर मेडल और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जीतने के बाद मनु का क्या था रिएक्शन? मनु ने क्लियरली बोला, जीत के बाद मैं काफी खुश हूँ, मैं गीता बहुत पढ़ती हूँ, इससे फोकस करने में मदद मिलती है और आज के मैच में आखिरी तक टारगेट पर फोकस किया मैंने। ठीक उसी तरीके से जिस तरह अर्जुन की नजर मछली के आंख पे होती थी, मेरी नजर भी आज सिर्फ मेडल पे थी। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मनु को बधाइयां दी हैं। पूरा देश हर्षोल्लासित है, सबको खुशी मिल रही है, भारत ने अपना पहला पदक हासिल कर लिया है। अभी तो जंग जारी है, अभी तो बहुत आगे तक जाना है। उम्मीद है भारत और भी बहुत सारे पदक जीत के जरूर लाएगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।